ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते 5 अप्रैल को होने वाले नगर निगम चुनाव को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस मनोज व्यास की खंडपीठ ने सरकार के प्रार्थना पत्र के साथ दायर जनहित याचिकाओं पर यह आदेश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार, चुनाव आयोग और अन्य पक्षकारों को ये छूट भी दी है कि स्थिति में सुधार होने या ना होने पर वो दोबारा प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। इससे पहले जस्टिस संगीत लोढ़ा ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी घोषित की जा चुकी है, केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी कर चुकी है, ऐसे में चुनाव में जहां एक साथ हजारों की भीड़ जुटेगी उसे स्थगित किया जाना ही ठीक होगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने निगम चुनाव को 17 अप्रैल से 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नगर निगम चुनावों को 6 सप्ताह के लिए टाल दिया है। राज्य सरकार की विशेष प्रार्थना पत्र पर ये आदेश जो है हाईकोर्ट ने दिए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता मेजर आरपी सिंह जी। सर हाईकोर्ट ने एक बड़ा कह सकते हैं इस मामले में स्टेप उठाया है कोरोना को लेकर, क्या कुछ हाईकोर्ट में सरकार की ओर से रखा गया था एप्लीकेशन में और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? देखिए, कोरोना के मामले में यहाँ कोर्ट में ही नहीं और राज्य में ही नहीं, पूरे देश में और विश्व में इसने जो भयावह स्थितियाँ पैदा कर दी है उसके मुतालिक कल मुख्य न्यायाधीश महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग चली थी जो करीब 3-4 घंटे चली, और उसमें बड़े विस्तृत निर्देश दिए गए कि जो बहुत ही अर्जेंट मामले हैं उनकी सुनवाई की जाएगी, और उन अर्जेंट मामलों के लिए भी 3 अलग अलग रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए हैं जिनके सामने एक दिन पहले मेंशन करना होगा। वो रजिस्ट्रार डिसाइड करेंगे कौन कौन से मामले की सुनवाई होगी। तो ये सब कोरोना के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है उसको टैकल करने के लिए है। तो इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने कहा था कि हम ये चुनाव करवाने में सभाएं होंगी, लोग बाग एक दूसरे से मिलेंगे, जबकि कोरोना वायरस के लिए सब कह रहे हैं सोशल आइसोलेशन होना चाहिए। तो इस परिस्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट ने मंजूर कर ली है। केसेस के बोझ के कारण रोज़ हर कोर्ट में वकील ये कहा करते थे मेरा अर्जेंट है, आप मेरी सुनवाई कर लीजिए, मेरी सुनवाई कर लीजिए। अब वो परिस्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है, तो इसलिए जिनके अर्जेंट केसेस थे वो मेंशन कर रहे थे कि साहब ये अर्जेंसी हमारी क्यों रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट कर दी। वो तो एक पहलू था, और दूसरा ये भी था कि इस पिटिशन के लिए इस केस के लिए 6-7 पिटिशन लगी हुई थी, तो उनके हर एक के एक एक दो दो वकील साथ थे, तो वो सब एक वकीलों का हुजूम साथ में खड़ा हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि जब हम तो एक क्वारंटीन की बात कर रहे हैं और आप लोग खुद ही इतने इकट्ठे एक साथ आ रहे हैं, तो जिस स्थिति को टैकल करने की हम बात कर रहे हैं वो यही कोर्ट में बिगड़ रही है। बिल्कुल, ये है मेरे साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता मेजर आरपी सिंह। सर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर 6 सप्ताह बाद, जैसे कि 6 सप्ताह के लिए टाले गए हैं जो कि 17 अप्रैल से ये 6 सप्ताह का वक्त शुरू होगा जो करीब 31 मई के आसपास तक जाता है, उसके बाद भी अगर परिस्थितियां नहीं सुधरती हैं तो राज्य सरकार के साथ भी चुनाव आयोग को ये छूट है कि वो हाईकोर्ट के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करे और उसको आगे अपना जो भी उसका निर्णय है वो सामने रख सकता है। सहयोगी घनश्याम के साथ निजाम कंटालिया, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। देखिए, हाई कोर्ट ने सारी बातों को देखते हुए इसीलिए तो इसको 6 मंजिल किया है और चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि कल नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। वो ये कहा उन्होंने, हमने उनको ये कहा था जो मीडिया में तक दिखाया जा रहा है, तो हाई कोर्ट को सुबह मोटो प्रसंग लेना चाहिए था, तो इतनी याचिकाएं भी नहीं आती और न सरकार आती, सब कुछ होता ही है। तो हाईकोर्ट ने उसमें जवाब दिया लेकिन वहाँ से लग गई है। मैंने कहा छोटे छोटे मामले होते हैं, कहीं जाम रहते हैं वहाँ सुबह मोटो लेते हो आप इतने मामले के अंदर, पर हाईकोर्ट ने पूरा सुना, डिटेल में ऑर्डर लिखा है और 6 मंथ के लिए एक्सटेंड किया है। अगर मीडिया ना उठाता तो लोगों को पता नहीं पड़ता, लोग जागरूक नहीं होते हैं और लोगों को तो समझ नहीं होता, हमारे पास नहीं होता है। हम जब मीडिया को देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आप टीवी देखते हैं तो मालूम पड़ता है। और आपने सबसे पहले डिबेट जैसे आप पे कही थी, मुझे आश्चर्य हुआ कि फर्स्ट इंडिया डिबेट कही है, उससे पहले किसी मीडिया ने इस डिबेट को नहीं कराया। अगर ये डिबेट अगर सब मीडिया करते तो शायद हमको याचिका लगानी नहीं पड़ती और ये ऑटोमेटिकली सुप्रीम हाईकोर्ट इसको स्टे कर सकता था। आज का जो ऑर्डर जारी हुआ है वो पूरी तरह से जनहित में, कोर्ट ने बहुत ही सेंसिटिव व्यू लिया है और जो इस समय महामारी फैल रही है इसके बारे में बहुत अच्छा व्यू लेते हुए, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस भी थे, बहुत सारी बार थी और पहले हाईकोर्ट का ऑर्डर भी था कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने हैं, उसके बावजूद भी उस जो सीमा को उस लिमिटेशन को लांघते हुए और उसको रिलैक्स करते हुए हाईकोर्ट ने बहुत ही अच्छा ऑर्डर दिया है जो कि आम जनता के हित में है।